स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, ये एक इंतहाई अहम मौका है, एक इंतहाई अहम इवेंट है। और अभी मेरी इनसे बात भी हो रही थी कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत सारी जो रूटीन है हमारी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो शायद हमारे लिए इंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट क्रिएट करने की बजाय जो है वो टेंशन क्रिएट कर रही होती हैं। और हमारा जो सारा जो असर है वो हम देख रहे थे, एक स्टडी भी, तो एक बहुत बड़ा जो कंटेंट है लोगों का वो शायद हमारी जो पॉलिटिकल जो कंटेंट है उससे चेंज होकर इंटरटेनमेंट की तरफ जो है वो वापस जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अखबारात के जो स्पोर्ट्स सेक्शंस जो दो दो सफ़ों के होते थे वो कम होकर जो है वो आधे सफ़े के ऊपर आ गए हैं। और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनके स्पोर्ट्स सेगमेंट्स ही ख़त्म हो चुके हैं। बाकायदा तौर के ऊपर एक स्पोर्ट्स सेगमेंट होता था जिसमें हमारे तमाम इवेंट्स जो हैं उसके अंदर कवर होते थे। तो इस चीज़ को भी आज के दिन के मौका के ऊपर हम रियलाइज़ भी कर रहे हैं और इसको हम टेकअप भी करेंगे ताकि वापस जो हमारा शिफ्ट है, जो आपका ड्यू शेयर है, वो आपको अखबारात और जो ड्यू टाइम है वो चैनल्स के ऊपर मिले, जिसमें हम अपने जो हमारे अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनका जो काम है उसको हम हाईलाइट कर सकें। क्योंकि मौजूदा हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब, जिनकी अपनी सारी यहाँ तक की जो पहुँचने की जो स्ट्रगल है, वो उनका करियर जो है वो एज ए स्पोर्ट्समैन के तौर के ऊपर स्टार्ट हुआ। और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट का ना सिर्फ वर्ल्ड चैम्पियन बनाया बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो क्रिकेट की दुनिया के अंदर, आज भी पूरी दुनिया के अंदर एक टॉप लेजेंड के तौर के ऊपर दुनिया उन्हें जो है वो रिकग्नाइज करती है। और वो बहुत सारे हमारे जो क्रिकेट के बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं उनके भी वो आइडियल रहे हैं। और जो हमारी बहुत सारी यूथ जो क्रिकेट के अंदर आती है वो उनको आइडियलाइज करती है। और उसके अलावा भी जो स्पोर्ट्समैन के अंदर एक एबिलिटी होती है, फाइटिंग स्पिरिट होती है, और उसके अंदर जो एक एनालिटिकल सलाहियत होती है अपने स्ट्रेंथ को पहचानने के हवाले से, उस हवाले से भी वो तमाम जो हमारी स्पोर्ट्स की जितनी भी फील्ड्स हैं उनके लिए एक मिसाल हैं। तो यकीनन हमारा इसके ऊपर भी फोकस है। और जहाँ तक रह गई बात हमारे जो वसाइल अवेलेबल हैं, उस हवाले से हमारा इरादा है कि हम एक पूरा अपने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके स्पोर्ट्स के हवाले से एक कॉम्प्रीहेंसिव एक्टिविटीज़ को जो है वो लॉन्च करें। उसमें हमारी जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको एक कौमी सतह के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स का, इवेंट्स का जो है वो प्लान आपको नज़र आएगा और उसके ऊपर अमल दरामद भी नज़र आएगा। जहाँ तक रह गई बात हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स से हों, चाहे वो दीगर बीट्स को जो है वो कवर करते हों, उनके मसाइल तकरीबन सबके एक जैसे ही हैं। और उनके मसाइल को हल करना, उनकी बात को सुनना, उनके एहसासात को समझना, ये हमारी जो है वो तरजीहात के अंदर शामिल है। और इस हवाले से हमने एक पूरा अपना एक लाहेमल तैयार किया है, इंशाल्लाह उसमें आपको आपके एंड के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी जो है वो आसानियाँ नज़र आएंगी। तो मैं ये कहकर आज से आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस अहम मौका के ऊपर जो है इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया।